Video by a mistake, and the last session we have discussed about the conjunction of the word, and last session we have discussed about the until. Until mean dost kab use hota hai, jab hume koi time decide ho, ki jaise main kahun ki jab tak main wapas na aun mera intezar karna, jab tak main wapas na aun mera intezar karna. तो जैसे हम टीवी में ब्रेक होता है कि मैं अभी जस्ट ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं, तो इस तरह की सेंटेंस में हम ये सेंटेंस अनटिल अनलेस एंड अनलेस अनटिल अनलेस मैजिकल इफेक्ट्स डाल सकते हैं आपके कन्वर्सेशन में. तो जब तक मैं वापस ना आऊं आप मेरा इंतजार करना, तो अनटिल आई कम बैक वेट फॉर मी, अनटिल आई कम बैक वेट फॉर मी. इसमें क्या है दोस्तों फ्रेंड्स, टाइम डिसाइडेड है कि हो सकता है मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊं, हो सकता है मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊं. तो जहां पे टाइम डिसाइड है वहां पे अंटिल आएगा, और जहां पे प्री कंडीशन है कि जैसे मैं कहूं कि जब तक बारिश रुक नहीं जाती, जब बारिश नहीं रुकती तब, अगर बारिश रुक जाती है, अगर बारिश रुक जाती है तो हम मूवी देखने चलेंगे, या बारिश रुक जाती है तो हम मार्केट चलेंगे. दैट मीन्स अनलेस किसके लिए यूज होता है, जहां पे कंडीशन डिफाइन हो, प्री कंडीशन है कि जहां पे कंडीशन हो वहां पे हम अनलेस डाल देते हैं. सो फ्रेंड इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द अनलेस. So friends, in this session we will discuss completely the conjunction of word unless. Until we have already discussed. So unless means except if. It is used in the context of a precondition. It is used for the context of precondition. इसमें इस तरह के sentence में क्या होता है? Condition होती है कि जब तक बारिश नहीं रुक जाती, अगर बारिश रुक जाती है, अगर बारिश रुक जाती है तो हम मार्केट जाएंगे और मूवी देखने जाएंगे. इस तरह के वाक्यों में यदि नहीं, इस तरह के सेंटेंस को आप मैं अनलेस लगा सकते हो. तो इट इज यूज इन द कंटेस्ट ऑफ अ प्री कंडीशन एंड इट इज एक्चुअली मीन्स इफ द कंडीशन इज नॉट मेट. गेटिंग माई पॉइंट, इट इज एक्चुअली मीन्स इफ द कंडीशन इज नॉट मेट. रिमेंबर, डू नॉट यूज विल, do not use will immediately after unless, क्योंकि unless में not already आ गया और उसमें हम future use नहीं करते. unless के बाद हम immediately will use नहीं करेंगे. जैसे now let's take an example. Can you turn the radio off? Can you turn the radio off unless you are listening to it? Unless you are listening to it. That means except if. unless का means है except if. अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, रेडियो नहीं सुन रहे हो, तो आप बंद कर सकते हैं इन द मेन टाइम जब तक आप नहीं सुन रहे हो. अगर मान लो टीवी चल रही है, तो जब तक टीवी आप नहीं देख रहे हो तो क्या आप टीवी बंद कर सकते हो? तो इस तरह के सेंटेंस में जहां पे कंडीशन आ गई, तो उस तरह के सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे? तो कैन यू टर्न द रेडियो ऑफ अनलेस यू आर लिसनिंग टू इट. अब जैसे मैं कहूं कि जब तक आप बैंक को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते तो आपका लोन अप्रूव नहीं होगा. जब तक आप बैंक को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते तब तक आपका लोन अप्रूव नहीं होगा. अनलेस यू शो देम, अनलेस यू शो देम योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स द बैंक विल नॉट प्रोवाइड यू लोन. तो डॉक्यूमेंट्स के बाद कॉमा विल बी देयर बिकॉज द ब्रेक है कि जब तक आप बैंक को पेपर, ओरिजिनल पेपर नहीं दिखाते उसके बाद कॉमा आएगा, बैंक विल नॉट प्रोवाइड यू लोन. अनलेस यू शो देम योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉमा बैंक विल नॉट प्रोवाइड यू लोन. जब तक आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते तब तक आपका लोन इम्प्रूव नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट इज अनलेस यू पे नाउ, अनलेस यू पे नाउ मीन्स कंडीशन है कि जब तक आप पे नहीं कर सकते तो मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता कि आपकी टिकट कंफर्म होगी या नहीं होगी. सो दिस इज इन डायलेमा. तो प्री डिसाइड कंडीशन इज देयर. तो अनलेस यू पे नाउ कॉमा वी कैंट गारंटी योर टिकट. अनलेस यू पे नाउ कॉमा वी कैंट गारंटी योर टिकट. सो फ्रेंड्स, अनलेस का यूज इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि हमें उसमें इस सेंटेंस में, इन वाक्यों में, इन सेंटेंसेस में हमें अनलेस लगाना है. जैसे इस तरह के सेंटेंस हो यदि नहीं, जैसे यदि आप सच नहीं बोलोगे तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा. यदि
आप सच नहीं बोलोगे तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। तो यदि नहीं आ गया तो इस तरह के सेंटेंस में व्हाट वी कैन यूज अनलेस। सो रिमेंबर पॉइंट टू बी नोटेड, एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप कि जब आप अनलेस लगा रहे हैं, जैसे हमने अनटिल में बताया था आपको, सेम विद दिस अनलेस। अनलेस में भी हम नॉट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि अनलेस में छिपा हुआ है नॉट। अनलेस का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया, यदि, और सेंटेंस फिर नहीं। तो यदि नहीं, अनलेस में छिप गया तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। नाउ लेट्स टेक यू नो ग्लांस ऑफ एग्जाम्पल। यदि आप सच नहीं बोलोगे तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। अनलेस यू स्पीक ट्रूथ कॉमा नोबडी विल फेथ ऑन यू। अनलेस यू स्पीक ट्रूथ नोबडी विल फेथ ऑन यू। नाउ नेक्स्ट इज, यदि बारिश नहीं होती तो हम मार्केट जाएंगे। यदि बारिश नहीं होती तो, जस्ट पॉइंट टू बी नोटेड कि कंडीशन है, तो मैंने क्या बताया, जिस तरह के सेंटेंस में यदि नहीं आए या कंडीशन आ जाए वहां पे हम क्या यूज करेंगे, अनलेस। और अनलेस के साथ हम नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि अनलेस का मतलब ही हो गया यदि नहीं। यदि बारिश नहीं होती तो हम मार्केट नहीं जाएंगे। अनलेस इट रेन्स वी विल गो टू मार्केट। अनलेस इट रेन्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, इट रेन्स, जब तक बारिश नहीं होती वी विल गो टू मार्केट। जब तक बारिश नहीं रुकती, नहीं होती, यदि बारिश नहीं होती तो हम मार्केट जाएंगे। अनलेस इट रेन्स वी विल गो टू मार्केट। नाउ यदि तुम हार्डवर्क नहीं करोगे, यदि तुम हार्डवर्क नहीं करोगे, यदि नहीं आ गया तो आप यू कैन रिकॉग्नाइज व्हाट यू सपोज टू पुट अनलेस। यदि तुम हार्डवर्क नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस, यू विल नॉट गेट सक्सेस। यदि विराट मैच नहीं खेलेगा, यदि विराट कोहली मैच नहीं खेलेगा तो इंडिया हार जाएगी। यदि विराट कोहली मैच नहीं खेलेगा, यदि नहीं तो इंडिया, तो कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि अगर विराट मैच नहीं खेलेगा, अगर या यदि विराट मैच नहीं खेलेगा तो इंडिया हार जाएगी। तो जहां पे भी प्री डिसाइडेड कंडीशन हो वहां पे हम अनलेस लगा देते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया अनलेस, अनलेस विराट कोहली प्लेज मैच, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा कि मैंने बताया था कि अनलेस के बाद इमीडिएटली विल का यूज नहीं होगा। तो इंडिया अनलेस विराट प्लेज मैच कॉमा इंडिया विल लूज द मैच, और इंडिया विल डिफीट द मैच, इंडिया विल लूज द मैच। इंडिया अनलेस विराट प्लेज अ मैच इंडिया विल लूज द मैच। सो नेक्स्ट इज, यदि हम प्यार ना करें तो क्या हम खुश रह सकते हैं। इसमें भी कंडीशन है, यदि नहीं भी है तो डायरेक्टली यू कैन रिकॉग्नाइज कि यदि नहीं है और कंडीशन भी है तो अनलेस डाल देंगे इसमें। अनलेस वी लव कैन वी फील हैप्पी, अनलेस वी लव कैन वी फील हैप्पी। सो नेक्स्ट इज, यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं कल फिर आऊंगी। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं फिर कल आऊंगी। अनलेस यू हैव ऑब्जेक्ट सर आई विल कम टूमोरो, अनलेस यू हैव ऑब्जेक्शन सर आई विल कम टूमोरो। यदि वह मुझसे माफी नहीं मांगेगा, यदि वह मुझसे माफी नहीं मांगेगा तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। अनलेस ही फील सॉरी टू मी, अनलेस ही फील बिग सॉरी टू मी आई विल नॉट एक्सक्यूज हिम, आई विल नॉट एक्सक्यूज हिम। यदि आप बटरिंग नहीं करोगे तो आपको प्रमोशन नहीं मिल सकता। सो हाउ इट इज यू कैन अंडरस्टैंड, तो लिटिल बिट बटरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉस। सो इसमें किसी कलीग ने बोला कि यदि आप बटरिंग नहीं करोगे तो आपको प्रमोशन नहीं मिल सकता। अनलेस यू फ्लैटर, अनलेस यू फ्लैटर यू कैंट गेट प्रमोट और यू कैन नॉट गेट प्रमोशन। नेक्स्ट इज, यदि आप दिल्ली नहीं जाओगे तो आप कोर्ट कैसे देख सकते हो, अनलेस यू गो टू दिल्ली हाउ कैन यू सी द कोर्ट। नाउ नेक्स्ट इज, अब आपको मैं कुछ एक्सरसाइज देता हूं, सो जस्ट कन्वर्ट इनटू हिंदी, हिंदी में कन्वर्ट करके कमेंट में डालना फ्रेंड्स, राइट। आई विल क्विट द जॉब अनलेस आई गेट अ पे हाइक, आई विल क्विट द जॉब अनलेस आई गेट अ पे हाइक। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन जस्ट राइट इनटू, कन्वर्ट दिस इंग्लिश इनटू हिंदी, क्योंकि मैंने इसमें इंग्लिश लगा दिया, सीधे सेंटेंस को आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है।
So Ram will not study unless let him play. Ram will not study unless you let him play. जैसे let का use हमने already we have discussed in the last to last session कि let कहाँ use होता है कि Ram will not study unless you let him play. I don't pick phone unless it's urgent. I don't pick phone unless it urgent. You can't win in the chess unless you are intelligent. No one can open this locker unless you have the key, unless he has the key or you have the key. No one can open the locker, this locker, unless he has the key. I will see you tomorrow unless something unexpected happens. Means I will see you tomorrow and unless something expected, you know, this happens. So now friends, you clear all the doubts about this unless, because nowadays, you know, vacations on just because of corona. So stay at home and be safe. और लोगों की बोल रहे हैं कि घर पे ही रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि दिस इज वेरी यू नो डेंजरस काइंड ऑफ. सो मैं घर पे रह के आपको, आपकी अभी कई फोन आए मेरे पास और आई हैव रिसीव द सो मेनी कॉल्स फ्रॉम द स्टूडेंट कि सर आप कोई एक लेक्चर डाल दीजिए अनलेस पे, क्योंकि अनटिल तो घर में रह के स्टडी करें और साथ साथ आप आईटी की वीडियो सेशन देखें हमारे पुराने और इंग्लिश के सारे सेशन देखें एंड स्टे एट होम बी सेफ and just take care of yourself. Thanks a lot and welcome and thank you very much.